सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। आज मॉर्निंग के अंदर जो टाइम्स नाउ न्यूज़पेपर है उसकी तरफ से बड़ा अपडेट निकल के आया है। क्या बड़ा अपडेट निकल के है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइज, प्रूफ अगर आपको चाहिए तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप रीड कर लेना प्रॉपरली। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि न्यूज़ में क्या है। देखो, सीबीएसई के जो मैनेजमेंट है उसमें जो स्टाफ वर्क करता है उनसे टाइम्स नाउ के कुछ रिपोर्टर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे। उसी क्वेश्चंस के अंदर जो सीबीएसई के मैनेजमेंट है उन्होंने आंसर दिया कि सीबीएसई की मैनेजमेंट चाहती है कि बच्चों को प्रमोशन दे दे, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ के जो रिजल्ट होता है उसका यूज़ कहीं भी नहीं होता, सिर्फ जॉब के अंदर यूज़ किया जाता है, वो भी सिर्फ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको कंफर्म करने के लिए, बाकी कहीं भी यूज़ नहीं होता। जो बच्चों के कॉलेज के अंदर एंट्रेंस होता है, मतलब कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है, वो भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। तो कॉलेज के एग्जाम हो गए एंट्रेंस, तो सीबीएसई को अभी एग्जाम इस माहौल में कंडक्ट कराना नहीं चाहिए। सीबीएसई की मैनेजमेंट और जो सीबीएसई का स्टाफ है, जैसे मैनेजमेंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो आपके रीजनल ऑफिस में जो टीचर्स वर्क करते हैं उसको सीबीएसई मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब सीबीएसई की जो मैनेजमेंट है वो भी चाहती है कि क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के एग्जाम कैंसिल हो जाए, और वो भी मतलब एक तरीके से अगर कभी भी सीबीएसई मैनेजमेंट से पूछा जाता है कि क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम कैंसिल किए जाए या नहीं किए जाए, तो उनका कहना है कि हम क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम कैंसिल करवाने के सपोर्ट में है। और उन्होंने प्रॉपरली रीजन दिया क्योंकि कॉलेज की वैसे भी एंट्रेंस एग्जाम तो हो गई, तो उसके बिहाफ पे कॉलेज एडमिशन देगा। तो अगर क्लास टेंथ वाला डिसीजन सेम क्लास ट्वेल्थ वालों को मिल जाता है तो बच्चों को रिस्क भी नहीं होगा और सब कुछ ऑन टाइम हो जाएगा। काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है, और टाइम्स नाउ के जो रिपोर्टर हैं उनको मैं थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इतनी इम्पॉर्टेंट बात जारी करी अपनी वेबसाइट पे। और आप सभी को उम्मीद है ये न्यूज़ सुनकर थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। मेरे को न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के बताया है। अब देखो गाइस, सीबीएसई मैनेजमेंट भी आपकी सपोर्ट में है, हर कोई सपोर्ट में है क्योंकि आप सही हो, लेकिन आप सही हो तो आपको एक मेरी छोटी सी हेल्प करनी होगी। आप अपनी पढ़ाई को थोड़ी थोड़ी डेली कंटिन्यू रखो, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि सीबीएसई एग्जाम कैंसिल कर देगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपका फ्यूचर ख़राब हो। आप अगर पढ़ाई करके रखोगे तो ये जो ट्वेल्थ की स्टडी है आपके आगे काम आएगी, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में आपके काम आएगी। इन्जॉय करो, साथ में थोड़ी थोड़ी डेली थोड़ी थोड़ी पाँच मिनट 10 मिनट रिविजन करो डेली, इस नंबर को बढ़ाते रहो, फिर 20 मिनट करो, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा, ऐसे डबल करते रहो डेली, जिसे जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक आप डेली रिवीजन करते रहोगे तो थोड़ा आपके एक कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आप लोग मोटिवेट भी रहोगे। तो मेरे को उम्मीद है सभी को न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको मेरी बातें सही लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, और वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फ्रीली कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी भी अपने घर पर रहो, सेफ रहो।